हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग को एक नया रेसिपी बनाने का मन कर गया। वो बनाएंगे हम लोग हाइजीनिक तरीका से घर में मोमो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग सोच ही रहे थे कि चलो अब कुछ आज एक नया बनाया जाए। सब तो मोमो बना के खाते ही हैं, कोई बाज़ार में भी खरीद के खाते हैं, लेकिन क्यों ना आज हम लोग सोचे कि घर में बनाएंगे, वो भी आटा से। वो जो गेहूं का आटा है घर में नॉर्मल, उसी से बनाएंगे, मैदा से नहीं बनाएंगे। क्योंकि मैदा से क्या होता है ना, पेट में प्रॉब्लम होता है, गैस उसका प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हाइजीनिक तरीका से बना रहे हैं। चलिए आप लोग आगे देखिए, उसी के लिए हम देखिए डो बना रहे हैं। हाँ, ये नॉर्मल आटा है, हम लोग जो व्हीट होता है ना आटा गेहूं का, इसमें हम बना रहे हैं। देखिए डो को थोड़ा टाइट ही सानेंगे, देख सकते हैं आप, थोड़ा टाइट ही है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, एकदम आसान तरीका से बनाएंगे। ये प्याज को कद्दूकस कर रहे हैं, बहुत इजी है, लेकिन आँख से पानी छुटा दे रहा है। आँख देखिए पानी आना शुरू हो गया, प्याज में तो होता ही है, लेकिन उसका एक ट्रिक था जो ट्रिक को हम फॉलो नहीं किए। पहले प्याज को काट के अगर पानी में डाल देते थे तो आँख से पानी नहीं छूटता था। अब इसके साथ देखिए क्या क्या है। हाँ, इसके साथ हम मिक्स करेंगे, ये इसमें अदरक है पिसा हुआ, पिस के रखे हैं। आइए, है चिकन, कीमा किया हुआ चिकन है, इसको ड्रेन के लिए मैं इसमें डाल दिए थे, है ना, तो पानी। कद्दूकस किया हुआ हमारा जो प्याज था, और जो ये कीमा, अदरक, और थोड़ा सा हम गाजर भी मिक्स किए हैं, बच्चे लोग थोड़ा पसंद करते हैं बोल के, और अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी डाल के हम मिक्स किए हैं, और एक चम्मच तेल भी दिए इसमें। उसके बाद देखिए हम जो 10 मिनट डो कर रखे थे वो भी रेडी हो गया। होने के बाद इसका लुई काटे छोटा छोटा, और इधर हम उसका बेल के भी छोटा छोटा ये रखे। अब इसमें मोमो फिलिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। कितना आसान है। इस तरह के बर्तन का यूज करते थे छेद वाला, इसमें देखिए हल्का सा तेल लगाएंगे, है ना, हल्का हल्का तेल, ताकि चिपके नहीं। मोमो में इधर बना कर रखे हैं, इसको हम देखिए यहाँ पर एक एक करके सुंदर से आप इसको रखिए। बहुत आसान है और हाइजीनिक भी है, घर में बनाइए। इस बॉल में हम पानी डाले थे स्टीम होने के लिए, देखिए स्टीम हो रहा है। अब इसके बाद हम मोमो को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, एकदम बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। हाँ, इस भाप में ही एक्चुअली ये हमारा मोमो पकेगा। देखिए इसको बैठा दिए, अब इसको हम ढक देंगे, अब इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, हमारा मोमो तैयार हो जाएगा। 20 मिनट हो गया है, देखिए हमारा मोमो रेडी। देखिए कितना अच्छा मोमो हुआ है, आप लोग भी बनाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन में है उसको दबाना मत भूलिए। अब हम इसको थोड़ा सर्व करके दिखाते हैं। फाइनली चिकन मोमो रेडी है, आप इसको चटनी और सूप के साथ एंजॉय कीजिए। हमें उम्मीद है आप लोग को हमारा रेसिपी ज़रूर पसंद आएगा, और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा अच्छा रेसिपी, साथ में इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।